बांग्लादेश की ट्रेन का माहौल असली लोकोमोटिव तो बहुत देखे होंगे आज बांग्लादेश का। 30 रुपीज का मिलता है ये इंडिया में, यहाँ पे 30 क्यों? बांग्लादेश पंचाश की चॉकलेट अंदा टू बांग्लादेश, बांग्लादेश की सुंदर कन्याएं। डाइनिंग कार भी है इस ट्रेन में तो सुंदर बन। अस्सलामुअलैकुम जी, यहाँ पर जी इंडियन गर्ल बांग्लादेश के रेलवेज के हवाले से क्या कह रही हैं। बांग्लादेश की लग्जरियस किस्म की जो ट्रेन्स हैं उसमें ये ट्रैवल कर रही हैं। यहाँ पे जो अहम किस्म के बांग्लादेश की जो ठीक है रेलवेज हैं उनको एक्सप्लोर कर रही हैं। ये ट्रैवल करके इनको कैसा लगे एक एक चीज़ इन्होंने ऑब्ज़र्व की है। और यहाँ पर ऑलरेडी जब बांग्लादेश में इंडिया आउट कंपेन चल रही है, बांग्लादेश में चीज़ें महंगी हैं सस्ती हैं, इन्होंने कुछ बातें की हैं ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग है। अब बांग्लादेश के पूरे जो ट्रेन्स का जो सिस्टम है उसके बारे में इनका क्या कहना है, बहुत इंटरेस्टिंग रिमार्क्स इन्होंने दिए हैं। वीडियो आप लोग आखिर तक देखें। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल पर आप लोग व्यू हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट लाइक करें। तो चलते हैं देखते हैं वीडियो। बांग्लादेश की ट्रेन का माहौल, असली मजा तो यही है टक लटक के। इंडिया के लोकोमोटिव तो बहुत देखे होंगे आज बांग्लादेश का देखो। रिक्शा देखो, ये है बांग्लादेश की जान। 10 रुपीज का मिलता है ये इंडिया में, यहाँ पे 30 क्यों? बांग्लादेश पंचाश की चॉकलेट अंदाज क्या मस्त है। फोटो देखो ढाका के, नमस्ते, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ अभी फिलहाल बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में और स्टे किया हुआ है यहाँ पे। मेरे पीछे देखिए रिसेप्शन एरिया पे हूँ, होटल व्हाइट पैलेस। काफी खूबसूरत प्रॉपर्टी है यहाँ पे, ये रिसेप्शन एरिया पे आ चुकी हूँ। रूम भी काफी कोजी और नीट एंड क्लीन थे। लास्ट वीडियो में आपने देखा कैसे हम दिल्ली से ढाका पहुंचे फ्लाइट लेके, बहुत ही अमेजिंग विमान बांग्लादेश एयरलाइन से आए और काफी अमेजिंग जर्नी रही हमारी। बट आज हम जाने वाले हैं सुंदरबन के लिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेन जर्नी करेंगे सुंदरबन एक्सप्रेस में। चलते हैं फटाफट से, लेट हो चुका है, सुबह 6:30 बज चुके हैं और जल्दी जल्दी भागना पड़ेगा हमें, टाइम की बहुत कमी है। बाहर के जाम की हालत दिखाऊं ना आपको तो हैरान रह जाओगे, दंग। सुबह के 6 बजे से हॉर्न भी हो रहे हैं, 6:30 बजे से देखोगे ना इतनी लंबी 2 से 3 किलोमीटर के लंबे जाम है। बट फटाफट से बाहर चलते हैं और दिखाते हैं आपको ट्रैफिक का माहौल। देखो मेरे पीछे दिख रहा है कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, ट्रैफिक की हद हो गई। सुबह सुबह 6:30 बजे का हाल देखो भाई, इतना ट्रैफिक, बसेस, ट्रक, उधर देखो लगभग 2-3 किलोमीटर का यहाँ जाम लगा हुआ है। क्या सिचुएशन है? एक्चुअली एवरी पीपल कमिंग फॉर इस्तेमा, विश्व इस्तेमा पीपल मैम, इस्तेमा विश्व इस्तेमा। तो कोई फेस्टिवल है? या फेस्टिवल, मुस्लिम फेस्टिवल, मुस्लिम फेस्टिवल, ईद टाइप, ईद टाइप। ओके, तो इसलिए इतना रश है सुबह सुबह। अरे बाबा देखो, तो यहाँ पे आ चुकी है हमारी कैब और निकलते हैं यहाँ से ढाका रेलवे स्टेशन, जिसे कमलापुर नाम से भी जाना जाता है। कितना किलोमीटर होगा भैया यहाँ से? 25 लगभग 1 से 1.5 घंटा। बट ये जो जाम की हालत है ना, देख के बहुत चक्कर आ रहे हैं, घबराहट हो रही है। भैया पहुँचा देना टाइम से। भैया आगे ऑटो देखो, ढाका के पूरे पैक्ड रहते हैं ऐसे। वैसे मैंने सुना था ढाका जो है ना रिक्शा का शहर है, 1 मिलियन से ज्यादा रिक्शा है। बट बसेस की हालत भी देखोगे तो कुछ कम नहीं है, 1 मिलियन से कम नहीं है यहाँ की बसेस। देखो लाइन से लगी हुई है, लाइन से बसेस। तो लगभग 1 घंटे के बाद हम फाइनली यहाँ पे पहुंचे हैं। पुराना ढाका है जहाँ पे स्टेशन है और देखो क्या माहौल है यार, इतना रश। 1 घंटे में पहुंच पाए, शुक्र मनाओ, इतना ट्रैफिक था हर जगह, बसेस, ऑटो। देखो भाई ऐसा माहौल है अभी का, सुबह सुबह पब्लिक फुल ऑन आवाज आ गई और सामने इधर टिकट काउंटर है से ओपन में ऐसे ऐसे ये ग्रिल से बनी हुई है, जा रहे अंदर प्लेटफॉर्म पे। सुंदरबन एक्सप्रेस है, टाइमिंग जो है यहाँ से चलने का 8:15 है। प्लेटफॉर्म हमें पता नहीं, ये भाईजान मिले हैं ये बताएंगे। भैया कौन से प्लेटफॉर्म पे है? सुंदरबन हाँ, अभी प्लेट नंबर नहीं आया। अच्छा आएगा, ठीक है, टाइम है अभी। ओके थैंक यू। प्लेटफॉर्म नंबर 6 और इधर दिख रहा है 7। 8 नंबर कहाँ है? ये आए हैं भैया हमें लेने, गुम हो गए थे हम। हाँ फॉलो फॉलो, इनको फॉलो करो कह रहे हैं। ये पापड़ वाले भैया देखो क्या गजब लग रहे हैं टोकरी में। ये है सुबह का ढाका, हसलिंग बसलिंग, पापड़ झापड़ सब मिलते हैं। हमारी ट्रेन का फर्स्ट लुक देखो, ऐसे दिखती है ये ग्रीन कलर में,
मजा आ गया भाई देख के। अरे वाह, डाइनिंग कार भी है इस ट्रेन में तो। सुंदरबन एक्सप्रेस एक इंटरसिटी ट्रेन है जो चलती है ढाका से खुलना के बीच। अगर आपको सुंदरबन डेल्टा है, सुंदरबन जंगल है, उसको एक्सप्लोर करना है तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट ट्रेन। वेलकम टू बांग्लादेश रेलवे। तो यहाँ पे ये फाइनली हमें मिले एक कंडक्टर साहब बस के, नहीं ट्रेन के, तो इन्होंने हमें हेल्प किया है कि यहाँ इसी कोच में है हमारी रिजर्वेशन। यहाँ पे देखो ये कोच है 51 चेयर का। यहाँ पे है ना कोचेस जो है 51 चेयर है, फर्स्ट क्लास सीटिंग है, बट हमारा जो है ना वो स्लीपर है, एसी क्लास स्लीपर। और यहाँ पे हम आए हैं सबसे पहले सबसे आगे इंजन दिखाने के लिए। तो यहाँ का लोकोमोटिव देखो भाई, इंडिया के लोकोमोटिव तो बहुत देखे होंगे, आज बांग्लादेश का देखो भाई, बांग्लादेश का लोकोमोटिव। सुंदरबन एक्सप्रेस ट्रेन के चलने का समय है ढाका से सुबह के 8:15 पे हम जाएंगे खुलना। ढाका से खुलना के बीच का जो डिस्टेंस है लगभग 400 किलोमीटर का वो ये तय करेगी। खुलना पहुंचाने का समय है 3:50 3:50 PM। तो ट्रेन के निकलने बांग्लादेशी रेल। देखो ये पूरा ऐसे कॉरिडोर है जैसे हमारे फर्स्ट एसी में होता है ना उस टाइप का, ये एक बालकनी बोल सकते हो, पूरा कॉरिडोर बना हुआ है जहाँ से आप जाएंगे और साथ में इधर रूम अटैच्ड है। दिखाते हैं आपको एक बार कोच कैसा दिखता है। देखो ये डोर इसके कैसे लकड़ी के बने हुए हैं, ओपन करते हैं तो आ जाते हैं हम अपने कोच में। तो ये है इधर मेरी सीट नंबर 13 मिला है। तो देखो वैसे ये जो दिन के समय चलती है ना, जैसे इसका रिटर्न का टाइम जो है वो नाइट का होता है, दिन में चलती है तो ये 4 पैसेंजर को अलॉट की जाती है। फिलहाल इसमें बहुत सारे लोग ट्रैवल करेंगे। और देखो ये है सीट नंबर, देख सकते हो इधर लिखा भी हुआ है 13, 14, 15, 16। तो ये 4 पर्सन के लिए है, अभी मुझे मतलब इतना आइडिया नहीं है। अगर आपको कोई देख रहा हो यहाँ का ढाका से तो मुझे आप बताना कमेंट्स में कि क्या सिस्टम रहता है। तो ऐसा दिखता है यहाँ का कूपे। हमारे इंडिया में क्या होता है ना, कूपे में 2 ही पर्सन अलाउड होते हैं, बट यहाँ पे 4 पर्सन के लिए है ये कूपे। डबल बांग्लादेश में उसको बात बोलते हैं, डबल बर्थ। डबल बर्थ, सिंगल बर्थ। सिंगल बर्थ, ये सिंगल बर्थ है, वो डबल बर्थ है, ये कूपे है, वो कोच है। सिंगल बर्थ रात में, रात में 2 पर्सन रात को, 2 पर्सन डे टाइम 4। बिस्किट क्या बेच रहे भैया? देखो इसमें चॉकलेट बिस्किट बहुत कुछ चीजें यहाँ पे ट्रेन में बेचने के लिए आए हैं। कितने का है ये फैंटेसी, डार्क फैंटेसी? प्राइस 110 बांग्लादेशी टका, 110 का है ये बांग्लादेशी टका। इंडियन प्राइस में हुआ ये 75 लगभग। और ये चॉकलेट कितने की है, 5 स्टार? 50 की चॉकलेट, 50 रुपए की 5 स्टार, वाह मजा आ गया। देखो इधर से एक और ट्रेन आई है, बाय बाय ढाका।
साथ नीचे देखो शिप भी दिखेंगे आपको। श्रीनगर से थोड़ा सा आगे यहाँ पे महुआ ये रेलवे स्टेशन है थोड़ा सा, और यहाँ पे पता नहीं क्यों ट्रेन रुक गई है सिंगल सिंगल शहर। तो पीछे देखो यहाँ पे कर्व बहुत खूबसूरत है, और इधर ही साथ में हाईवे भी है जो कि खुलना और ढाका को कनेक्ट करता है, बहुत ही गजब का है। ये वीडियो आप लोगों ने देखी है, कितना एंजॉय किया उन्होंने बांग्लादेश की ट्रेन में। बांग्लादेश की जो ट्रेन्स है बहुत बहुत खूबसूरत हैं। बिजनेस क्लास में अगर आप सफ़र करते हैं तो हर किस्म की आपको जो फैसिलिटी है यहाँ पे मिलती है, तो बांग्लादेश में किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। और जो जिन लोगों को ये लगता है कि यार बांग्लादेश पीछे है, वो अपने माइंड से गलत फहमी निकाल दें और उनको एक दफ़ा ज़रूर बांग्लादेश को विज़िट करना चाहिए। अब वो भले ही इंडियन है या कोई यूरोपियन है, कहीं पे भी रहते हैं आप लाजमी बांग्लादेश को विज़िट करें। बांग्लादेश इज़ वेरी प्रोग्रेस्ड, वेरी ब्यूटीफुल। और बांग्लादेश में स्पेशली यार लाइक इंडियंस जो है मोस्टली जब भी आते हैं बांग्लादेश में तो वो एक चीज़ ऑब्ज़र्व करते हैं कि बांग्लादेश में टॉयलेट्स जो हैं हर जगह बने हुए हैं, और बांग्लादेश में ऐसा ये इशू नहीं है कि टॉयलेट नहीं है, और जो ट्रेन्स के टॉयलेट्स हैं वो भी क्लीन हैं। इस तरह की जो चीज़ें हैं इंडियंस बहुत ज़्यादा जो है ना ऑब्ज़र्व करते हैं, ठीक है, और स्पेशली जाके वो टॉयलेट देखते हैं कि यार इनका टॉयलेट कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इन्होंने भी देखा जाके टॉयलेट कैसा है यहाँ का, तो बहुत प्यारे यहाँ पे सारा का सारा बिजनेस क्लास बहुत खूबसूरत, आई लव इट। और बांग्लादेश की जो रेलवेज हैं बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रही हैं, और आगे इंशाल्लाह ताला इसमें और भी बहुत बड़ा चेंज जो है वो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो कॉमन क्लास की जो ट्रेन होती हैं वो तो चलो वहाँ पे यार धक्के शक्के पड़ रहे होते हैं, ठीक है, लोगों की मर्ज़ी होती है, कुछ ऊपर चढ़ जाते हैं ट्रेन के, ठीक है, वो उनकी मर्ज़ी है। लेकिन बिजनेस क्लास का सीन है ना बहुत अच्छा है, आई लव इट। यहाँ पे जो भी अब ट्रैवल करता है वो देखता है या लाइक ऐसे लोगों को देखते हैं वीडियोस, और फिर जो है वो बांग्लादेश में आते हैं। सो आई एम श्योर कि वीडियो देख के और भी बहुत सारे लोग जो है बांग्लादेश में आने वाले हैं। सो आई लव द वीडियो। आप लोग क्या कहेंगे, आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग जो भी कहना चाहते हैं लास्ट में बताएं कॉमेंट सेक्शन में। वीडियो को लास्ट में लाइक करें, शेयर करें। आई विल सी यू, टेल देम, टेक केयर, हाफिज़, बाय।